बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दही भल्ले। तो सबसे पहले हमने 2 कप बेसन के लिए इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके थिक सा पेस्ट बना लेंगे। आप इसे हाथों की मदद से इसमें हवा भरेंगे। अब मैं हाथों की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन 30 मिनट तक रेस्ट देंगे, उसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक इसके दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। चटनी तैयार करने के लिए हमने लिया पुदीना, धनिया और सब्ज मिर्चें, ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। अब हम इसे लंगड़ी में इसकी चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा अनारदाना ऐड करेंगे। ऐसे हम ग्राइंड मशीन में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। इस तरह बनाने से इसमें अच्छी तरह टेस्ट आ जाएगा और ज़बरदस्त चटनी तैयार होगी। इसे हाथों की मदद से इस तरह बनाएंगे। ये हमने अब चटनी तैयार कर ली है। अब हमने 1 kg दही लिया है, इसमें ऐड करेंगे चीनी। 2 टेबल स्पून चीनी ऐड किया। अब इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसमें ये चटनी जो हमने बनाई थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खीरे, मैं मिल्क शेक बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लिए पाइनएप्पल, इसके अंदर ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी, केले अंदर ऐड करूंगी। ये हमारे बल्ले हैं जो हमने पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रखे हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आलू बुखारे की चटनी, ये हमारी डेम पल्लू की रेसिपी हो चुकी है तैयार। ये हमारा मिल्क शेक भी तैयार हो गया है।